पति की हत्या कर प्रेमी संग भागने वाली मां को गंवानी पड़ी अपनी बच्ची और पहुंचना पड़ा हवालात। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। प्रेम संबंधों के चलते एक विवाहित महिला किस कदर का कदम उठा सकती है, आज उसकी जानकारी देने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पनवेल के मार्केट यार्ड परिसर में समीर लॉज है, यहाँ पर एक जोड़ा एक बच्ची के साथ आकर रुका था। 9 नवंबर के दिन सुबह 11:30 बजे के करीब जब चेकआउट का समय हो जाता है, रूम का दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा था तो होटल प्रबंधन ने स्थानीय पुलिस को बुलाया। स्थानीय पुलिस के सामने प्रबंधन ने अपनी तरफ की चाबी की मदद से जब दरवाज़ा खोला तो देखा तो बेड पर जो है एक पुरुष, एक महिला और एक बच्ची बेहोशी की हालत में पड़े हैं। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। वहां पर पहुंचते ही डॉक्टरों ने जांच कर उस बच्ची को मरा हुआ घोषित किया। साथ ही जो महिला और पुरुष थे इनकी हालत ज़्यादा खराब होने के कारण उन्हें मुंबई के जे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इस जोड़े की और इस बच्ची की पूरी कहानी यह है। इस महिला का नाम लीजी कुरियन है और उम्र 29 वर्ष है। उसके साथ के पुरुष का नाम वाशिम अब्दुल कादिर, उम्र 35 वर्ष है और 2 वर्षीय बच्ची जो कि लीजी कुरियन की है। उनके सामान से, उनके कमरे से तलाशी लेने के बाद पुलिस को उनकी आइडेंटिटी का जो सबूत मिला उसके आधार पर पता चला कि ये केरला के रहने वाले लोग हैं। इसके बाद पनवेल पुलिस ने केरला पुलिस से संबंध स्थापित किया। केरला में संतानपर करके जो जगह है वहाँ के पुलिस स्टेशन में लीजी कुरियन की मिसिंग की शिकायत दर्ज थी, जबकि लीजी ने केरला से फरार होने से पहले अपने पति रिजोश मुल्लुर की मिसिंग होने की शिकायत स्थानीय पुलिस संतानपर में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जब इस मामले की छानबीन करना शुरू की तो उन्हें लीजी पर शक आया और उसी दौरान वाशिम अब्दुल कादिर, जिसने इन दोनों को जो है भागने में मदद की थी, उसको जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इन्हें शक हुआ कि पुलिस इन तक भी पहुंच जाएगी। दरअसल लीजी कुरियन, वाशिम अब्दुल कादिर, इन दोनों ने मिलकर रिजोश मुल्लुर का खून कर दिया था और उसकी झूठी मिसिंग की शिकायत इन्होंने केरला के संतानपर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। पुलिस को शक होने के बाद ये दोनों जो है लीजी की 2 वर्षीय बच्ची को लेकर के फरार हो गए थे, मगर इन्हें डर सताया जा रहा था कि कहीं पुलिस हम तक पहुंच ना जाए और हम गिरफ्तार ना हो जाए, इसलिए इन्होंने 9 नवंबर को होटल में ही, पनवेल के समीर लॉज में ही बंद कमरे में पेस्टिसाइड पी लिया, बच्ची को भी पिला दिया, जिसके कारण बच्ची मर गई और इन दोनों की हालत नाजुक हो गई। इन्हें जे अस्पताल ले जाया गया। संतानपर पुलिस पनवेल आ चुकी है। जे अस्पताल में इन दोनों अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी गई है। वहीं 2 वर्षीय बच्ची की हत्या करने का मामला, उसके मौत का मामला पनवेल शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है, जबकि रिजोश मुल्लुर की हत्या करने का मामला पहले ही लीजी कुरियन और वाशिम अब्दुल कादिर के खिलाफ केरला के संतानपर में दर्ज हो चुका है। लीजी कुरियन और वाशिम अब्दुल कादिर केरला में ही एक ही कंपनी में, एक ही ऑफिस में काम करते थे और काम करने के दौरान उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हुए। इन प्रेम संबंधों के बीच लीजी का पति रिजोश अड़चन साबित हो रहा था, रास्ते का कांटा बन रहा था जिसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया, मगर आखिरकार 2 वर्षीय बच्ची को भी लीजी को गंवाना पड़ा और अपने प्रेमी के साथ अब उसे हवालात जाना पड़ा है। कैसे अपने पति की हत्या कर प्रेमी के साथ भागकर आई केरला से लीजी नामक महिला ने अपनी बच्ची को भी गंवाया और उसे पुलिस हवालात पहुंचना पड़ा, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ। हिंदुस्तानी रिपोर्टर के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।